यूपी के सीतापुर में तीर्थ नैमिषारण्य में बना सरकारी अस्पताल खुद बीमार महसूस कर रहा है। बताते चले, नैमिषारण्य में बने इस अस्पताल का समाजवादी सरकार में उद्घाटन हुआ था। ये एक ऐसा अस्पताल है जिसकी बिल्डिंग में कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो उसमें होने वाली सुविधाओं की। लाखों की आबादी वाले क्षेत्र में बने एकलौते अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं है, ना तो एक्सरे मशीन है, ना ही दवाइयाँ और ना ही डॉक्टर्स। ऐसी तमाम जरूरी असुविधाओं के चलते यह अस्पताल अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में हम आज बताने जा रहे हैं जो कि अस्पताल बनकर के तैयार हुआ। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद की नैमिषारण्य तीर्थ की। जी हाँ, बिल्कुल एक इस तरीके समझेंगे कितनी बड़ी बिल्डिंग आज खुद बीमार है, जो खुद सोचती है हमारा इलाज किस तरीके से हो और कैसे हो। जी हाँ, बिल्कुल ये सच है। ये नैमिषारण्य तीर्थ है उत्तर प्रदेश में सीतापुर जनपद में 80 किलोमीटर दूर लगभग राजधानी लखनऊ से तीर्थ नैमिषारण्य, जो कि पौराणिक और वैदिक सभी रूपों से इसकी मान्यता है और लाखों श्रद्धालु यहां पर आते जाते हैं। इसको देखते हुए बसपा शासन काल में इस अस्पताल की नींव रखी गई थी। उसके बाद में सपा सरकार में जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे तब इसका उद्घाटन हुआ था। नैमिषवासियों को ये लगा था कि नैमिषारण्य में अस्पताल बना है, अब हमको कहीं बाहर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन वो सपने उनके किस तरीके से चकनाचूर हुए हैं ये सीधा बिल्कुल आप देख सकते हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बिल्डिंग में मात्र 2 डॉक्टर हैं, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, उसके बाद भी यहां पर ना तो कोई जो मरीजों के हित के लिए हो और जो दूर दराज से सुदूर आए हुए लोग या श्रद्धालु जिनका इलाज यहाँ पर हो सके। इस तरीके से जिस तरीके से बीजेपी सरकार में ये अस्पताल उपेक्षा का शिकार हुआ है, ये वाकई में एक हैरान कर देने वाली बात है। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि बीजेपी शासनकाल में ये अस्पताल बिल्कुल सुसज्जित हो जाएगा, सभी सुविधाओं से लैस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे वादे क्षेत्रीय विधायक नेता मंत्रियों के सारे हवाई साबित होकर के रह गए। बिल्कुल ये सच है, यही हकीकत है। बिल्डिंग है, सारे आवास हैं, एम्बुलेंस है, लेकिन जो नहीं है वो डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, अन्य सुविधाएं नहीं है, जिनसे पूरा अस्पताल बीमार है और सोच रहा है मेरा इलाज कब करेगी सरकार। मैं जगमोहन मिश्र, राम कुमार विश्वकर्मा। कहाँ से आए हैं आप? लकड़िया मऊ से आए हैं। चलिए बताइए, नैमिष में जो अस्पताल बना है क्या क्या सुविधा? इसमें सर सुविधाएं कोई नहीं है, बस डॉक्टर लोग तो मिलते हैं मगर मशीनरी कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, कब से बना है अस्पताल ये? साहब तो अभी इसको करीब हो गए हैं 10 साल लगभग 12। कोई विशेष सुविधा नहीं है? कोई विशेष सुविधा नहीं है। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है। कमर, रीढ़ में दर्द व पुराने गठिये रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है बीएन कॉम्प्लेक्स, मोतीबाग रोड, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH 91, गांव चंदेरू, दहली रोड, बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार, हमारे यहां पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर कस्तूरी पान, सगाई पान और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर।